भोपाल से आरिफ खान की रिपोर्ट। बिग ब्रेकिंग, क्या इस प्रदर्शन का असर दीक्षांत समारोह पर पड़ेगा? 10 को दीक्षांत समारोह मानस भवन में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कर्मचारी और कुलपति आमने सामने। दीक्षांत समारोह 10 को कर्मचारी संगठन कर रहा है लगातार प्रदर्शन। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय बना राजनीति का अखाड़ा। कर्मचारी लगातार 5 दिन से कर रहे हैं कुलपति के गेट पर प्रदर्शन। समस्या का नहीं हुआ समाधान, कर्मचारी जगत हुआ नाराज। विकलांग एवं ब्लाइंड लोगों की नियुक्ति का मामला अब राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बना। आखिर क्यों नहीं दे पा रहे हैं इनको नियुक्तियां? कर्मचारियों का आरोप, कुलपति एसके जैन नहीं चाहते कर्मचारियों का हित। माता जी, आज आप प्रदर्शन में शामिल हुई, क्या समस्या आपकी? सर, मेरी नौकरी मेरे पति हस्बैंड इस बार हुआ है तो कुछ नहीं कर रहे, हम बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, सब कुछ वो हो रहा है। क्या आपके हस्बैंड बरकतुल्ला में थे? जी हाँ। क्या आश्वासन मिल रहे हैं आवेदन देने के बाद? आवेदन कुछ भी नहीं बोल रहा है। आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी हमारी मांगों के संबंध में कुलगुरु जी हमसे कोई बात करना चाहते नहीं है। उन वो अकड़ के बैठे हुए हैं कि वो कह रहे कर्मचारी मरता है तो मर जाए, मैं अपना काम करूंगा। तो हमारे कुल सचिव जी आते हैं और चले जा रहे हैं लेकिन कर्मचारी की नहीं सुन रहे हैं। दीक्षांत समारोह के लिए हम लोग भी मना नहीं कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह जो हो रहा हमारा गरिमापूर्ण है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय उसमें कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्मचारी कहीं ना कहीं तकलीफ में है, दुखी में है। आज देख सकते हैं हमारे साथ बेटियां बैठी हुई हैं, माताजी बैठी हुई हैं, जो दो दो साल से किस तरीके से अपने घर पाल रही हैं। कोई बर्तन माज के काम चला रही है, कोई किसी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, समयमान वेतनमान नहीं कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। स्थायी कर्मी को जो रेगुलर करना है, 103 पोस्ट हमारे पास रखी हुई है लेकिन कुल सचिव द्वारा लिस्ट पर साइन नहीं किया जा रहा है। शायद कुल सचिव द्वारा साइन कर दिया गया है लिस्ट पे, उसके बाद भी सुनने को तैयार हैं। सर, क्या प्रॉब्लम मांगी आपकी? हमारी मांगे जो है आप बता देते हैं कि हमारी पहली मांग है स्थायी कर्मी को नियमित करना, अनुकंपा नियुक्ति हमारी जो डिलीजन दे गई करीब करीब लगभग 23 से लगभग है उनको नहीं कर रहे हैं, वो है हमारी समयमान वेतनमान है, इंक्रीमेंट है, और उसके बाद भी हम बता दें एक मेडिकल पॉलिसी है जो दो साल से उनकी कुछ होता है तो फटाक से ना कर दे लेकिन मेडिकल पॉलिसी के लिए कभी बात नहीं करते। बोलते तुम लोग कर तो लो, तुम लोग कर लो, लेकिन भाई तुमको दिखा रुचि, वो रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं। अभी अभी देखिए हमारे कर्मचारी कहीं ना कहीं वो बोलते हैं हमारे कर्मचारी काम नहीं, कर्मचारी काम नहीं करता तो 70 से जब 72 से यूनिवर्सिटी खुली है पूरी यूनिवर्सिटी कर्मचारी पूरा लग के काम कर रहा है और आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा है। आज 100 करोड़ भी मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है? कर्मचारी एकता दिखा रहा है, कर्मचारी काम कर रहा रात रुक के, वो तो आते हैं चले जाते हैं साइन करके लेकिन कर्मचारी तो दिन रात काम कर रहा है ना। सर, कल दीक्षांत समारोह में नहीं, हमारा उद्देश्य कोई दीक्षांत समारोह को रोकने का नहीं था लेकिन हमने बोला है उनसे कि हम कर्मचारी संघ पूरा का पूरा यही बैठा रहेगा अपने विरोध के लिए, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें आगे तक बढ़ना पड़ेगा। नाम बता दीजिए। मैं धीरेन्द्र सिंह जाट, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का महासचिव। भारत